हेलो फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम दिस कीवर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड काफ़ी कंफ्यूजिंग कीवर्ड है। ओके, बिकॉज आप देखोगे आपने कहीं पे, यदि आपने यूज किया होगा दिस कीवर्ड को, तो ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे कॉल हुआ है। यदि आप ऑब्जेक्ट के अंदर दिस कीवर्ड को कॉल करते हो तो ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप किसी सिंपल फंक्शन में या फिर कहीं भी दिस कीवर्ड को लॉक करोगे जनरली, तो ये विंडो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जावा स्क्रिप्ट है उसके अंदर दिस के लिए कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि ये किस पर्पस के लिए यूज होगा। ओके, ये हर एक अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरीके से काम करता है। यदि आप किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखोगे तो उसमें जो दिस कीवर्ड होता है उसका टास्क स्पेसिफिक होता है। ओके, बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट किया गया है फैट एरो फंक्शन में। ओके, तो फैट एरो फंक्शन में यदि जनरली हम दिस कीवर्ड को कंसोल करेंगे तो ये अभी विंडो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये हमेशा विंडो ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा। यदि हम इसे कस्टम तरीके से यूज करना चाहते हैं, सपोज करो कि मैं क्लिक पे उसी जिस बटन पे हमने क्लिक किया है उसी बटन को मैं दिस कीवर्ड के साथ में यूज करना चाहता हूँ, तो हमें उसे बाइंड करना पड़ता है। ओके, जनरली जो हमारा ट्रेडिशनल फंक्शन था या फिर किसी एलिमेंट पे हम किसी क्लिक इवेंट को फायर करते हैं एंड उसके अंदर हम कोई फंक्शन को चलाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट यदि हम ट्रेडिशनल फंक्शन को यूज करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उससे बाइंड हो जाता है उस एलिमेंट से, बट ऐसा फैट एरो फंक्शन में नहीं होता है। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन बना लेता हूँ ट्रेडिशनल तरीके से, एंड मैं फंक्शन को नाम देता हूँ हेलो, एंड यहाँ पे हम कंसोल कर लेते हैं दिस कीवर्ड को। ओके, एंड इस फंक्शन को हम यहाँ पे लॉक कर लेंगे। हम आउटपुट देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने विंडो ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया। ओके, जैसा कि मैं कह रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट यदि आप दिस को लॉक करोगे कहीं भी तो वो हमेशा विंडो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बार फैट एरो फंक्शन के साथ में देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ हेलो, एंड ये हो गया हमारा फैट एरो फंक्शन। ठीक है, एंड इसको रन करके देख लेते हैं, तो दोनों में सेम ही आउटपुट आना चाहिए। ओके, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था मैंने, तो इसके अंदर भी यदि हम फैट एरो फंक्शन के अंदर भी दिस कीवर्ड को कंसोल करते हैं तो ये विंडो ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करता है। ओके, तो आप कहोगे कि दोनों तो सेम ही काम कर रहा है तो दिक्कत क्या है। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक बटन बना लेता हूँ बटन, एंड इसकी मैं आईडी दे देता हूँ btn क्लिक में। ओके, html में इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास एक बटन है, तो मैं इस पे क्या करता हूँ, एक इवेंट को फायर करता हूँ, क्लिक इवेंट को। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे बटन को गेट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड यहाँ पे हम आईडी को पास करेंगे btn एंड डॉट एट इवेंट लिसनर ओके, कौन सा इवेंट हमें इस पे चलाना है, क्लिक को, एंड यहाँ पे क्या चलेगा, हमारा एक फंक्शन चलेगा। तो हमारा फंक्शन का नाम क्या है, हेलो, सिंपली मैं इसको यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा,
इसको अब यहाँ पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक पे किया तो आप देख सकते हो कि ये अभी भी विंडो ऑब्जेक्ट को ही कॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा गौर करना कि यहाँ पे मैंने फैट एरो फंक्शन को यूज़ किया, ठीक है ना, और मैं जब भी इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमेशा विंडो ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यदि मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल फंक्शन यूज करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, हेलो, एंड यहाँ पे हम फंक्शन डाल देते हैं एंड यहाँ से ये फैट एरो हटा देते हैं। तो अब देखते हैं कि अब हमारे पास क्या आता है। तो यदि अब मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास बटन आएगा। ओके, तो ये डिफरेंस होता है फैट एरो फंक्शन के दिस में एंड जो हमारा ट्रेडिशनल तरीके से दिस कीवर्ड यूज होता है उसमें। फैट एरो फंक्शन में यदि हम दिस कीवर्ड को यूज करेंगे तो हमेशा विंडो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम उसे किसी इवेंट से बाइंड नहीं करते हैं। ओके, वो ऑटोमेटिकली किसी से बाइंड नहीं होता है। अगर एक वर्ड में बोले तो जो हमारा ट्रेडिशनल फंक्शन है उसमें दिस कीवर्ड डिपेंड होता है कि वो कहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, यदि वो किसी बटन के क्लिक पे कॉल हो रहा है तो उस फंक्शन के अंदर यदि दिस कीवर्ड है तो वो दिस कीवर्ड हमेशा रिप्रेजेंट करेगा उस बटन को। यदि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल हो रहा है तो वो रिप्रेजेंट करेगा उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, बट यदि हम फैट एरो फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो उसमें यदि हम दिस कीवर्ड को कंसोल करते हैं तो वो हमेशा विंडो ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा। यदि हम चाहते हैं कि दिस रिप्रेजेंट करे जिस बटन पे हमने क्लिक किया है उसको, तो उसे हमें बाइंड करना होता है। ओके, ये ऑटोमेटिकली किसी से बाइंड नहीं होता है। यदि हमें ऐसा कंडीशन बनता है कि हमें बाइंड करना है, दिस को यूज करना है, तो उसे हम बाइंड करते हैं, जैसे कि आप रिएक्ट जेएस में देखे होंगे। ओके, तो आई होप कि आपको दिस का डिफरेंस समझ में आया होगा कि फैट एरो फंक्शन में दिस कैसे वर्क करता है एंड जो हमारा ट्रेडिशनल तरीके से फंक्शन है उसमें कैसे वर्क करता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।